वक्त दे अपना। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रिजवान खान है, मैं अभी 12th पास हुआ हूँ। मेरा ये सवाल था कि हमारे उम्मत के जवान यूट्यूब पे बहुत सारी कॉमेडी वीडियोस बना रहे हैं, तो इस्लाम की शरीयत में रहते हुए वो जायज़ है कि नहीं है? मैंने सवाल किया कॉमेडी वीडियोस बनाना शरीयत की रूह से कैसा है। तो देखिए, अगर वो कॉमेडी मतलब विद इन लिमिट और दायरे में होंगी जिसकी शरीयत इजाज़त देता है तो वो आप कर सकते हैं। तो हंसी और मजाक के आदाब, इससे पूरा मेरा एक लेक्चर है जिससे मैंने पूरा कंप्लीट बताया हूँ कि हंसी और मजाक की शरीयत में क्या लिमिट है और किस लिमिट तक ये किया जा सकता है। खुश होना खुद के लिए होता है और हंसाना दूसरों के लिए होता है। तो उसमें मैंने ये दोनों लिया कि हंसी मतलब खुद हंसना और मजाक मतलब ऐसा कुछ बोलना जिससे दूसरे भी हंसे, दोनों की शरीय लिमिट क्या है। अगर उस लिमिट में है तो किसी प्लेटफॉर्म पर जायज़ है, अगर उस लिमिट से बाहर है तो फिर दुरुस्त नहीं। वहाँ पर अक्सर झूठ बोला जाता है, अक्सर गंदी बातें छिछोरी बातें की जाती है, अक्सर टॉन्ट मारे जाते हैं, अक्सर लोगों को जलील किया जाता है और फिर हंसाया जाता है। एक टकला था और सब हंस रहे, एक मोटा था और सब हंस रहे, फला इस तरह से, ये दुरुस्त नहीं है। तो उसकी लिमिट है, तो हंसी मजाक के क्या आदाब है मेरा एक लेक्चर है वो देखिए। अगर उस लिमिट में है तो फिर किसी प्लेटफॉर्म पर होंगे तो इंशाल्लाह जिस वो दुरुस्त होंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारी वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।